हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था, भारत अकाउंट बनाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अजय इज अ डेब्टर ऑफ विजय फॉर रुपीज 6000 इन अ मंथ। ही सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2400 रुपीज 1800 एंड रुपीज 1000 ऑन डिफरेंट डेट्स टू हिज हिम एंड कलेक्टेड पेमेंट ऑफ रुपीज 2000 रुपीज 1600 एंड रुपीज 1400 इन द सेम पीरियड। रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट एट 5% डिस्काउंट ओपन विजय अकाउंट इन अ बुक ऑफ अजय। अजय की बुक में विजय का अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो अकाउंट बनाते हैं, विजय का, ठीक है ना। अजय से हमें कितने दे देंगे उसको 6000 जो तो देने रहते हैं वो कहाँ आते हैं, यहाँ बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है, पुराना कोई खरीदा बेचा होगा उसके हिसाब से उसको कितने देने 6000। ही सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2200 1800 एंड 1000। उसने तीन बार अलग अलग माल बेचा है, एक बार 2200 का, एक बार 1800 का और एक बार 1000 का, ठीक है। किसने? विजय। विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा है का, ठीक है। कितने का? एक बार 2200 का, एक बार 1800 का और एक बार 1000 का, तीन है का। तीनों में माल बेचा था, लिख देंगे टू सेल्स 2200, टू सेल्स 1800, टू सेल्स 1000। ये इसलिए एक साथ भी लिख सकते थे, बट उसने बोला है कि अलग अलग डेट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ही सोल्ड गुड्स, उसने माल बेचा वर्थ रुपीज 2200 रुपीज 1800 एंड रुपीज 1000, ठीक है ना, ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट पे। इसलिए हमने क्या करा है, सभी को अलग अलग लिखा है, वो बोलता सेम डेट पे तो हम सबको क्या कर देते, साथ में लिख देते। Different date to him and collected payment. उसने इतना माल बेचा, अब payment collect कर रहा है वो। Payment of rupees 2600 and 1400 in same period. एक सरी के same period में लिया है। क्या रहा है हमारे पास? Cash account debit to विजय। विजय हमें क्या दे रहा है? कैश दे रहा है,
ठीक है ना, कितना दे रहा है, तीन डेट अलग अलग दे रहा है, 2000, 1600 और 1400, ये तीन पेमेंट दिया है, ठीक है। कैश बाय कैश 2000, बाय कैश 1600, बाय कैश 1400। फिर लिखा है रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट एट 5% डिस्काउंट ओपन विद, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बचा उसको किसमें सेटल करना है हमें, 5% डिस्काउंट पे, ठीक है। दोनों साइड का हम टोटल लगाते हैं, दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे। अब रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम टोटल लगाते हैं, 6, 2, 8, 9, 10, 11,000 इधर का 2, 2, 4, 5,000 आ रहा, ठीक है ना। तो 11,000 में से 5,000 अगर लेस कर देखो तो बच्चे कितने, 6,000, ये हो गया हमारा बचा हुआ अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट उसमें किसने पे करा है, कितने में, 5% डिस्काउंट में, तो 6,000 का 5% निकाल लेते हैं हम, 0 से 0 का 6, 5 से 30, कितने आ गए, 300, 6,000 में से 300 रेस कर दिए तो बचेंगे 5,700, ठीक है। कहाँ कम पड़े, यहाँ तो हमारे पास कैश कितना आ गया 5,700 और डिस्काउंट हो गया 300, 11,000 बराबर। अब मैं क्वेश्चन पूरा वापस से रिपीट करता हूँ, एक एक पॉइंट समझा के, ठीक है। अजय विजय का 6,000 रुपए से रेडी है, जो अजय हैगा, ठीक है ना, वो विजय से कितने लेने हैं, उसे 6,000, मतलब मैं अजय हूँ तो मुझे विजय से कितने लेने, 6,000 रुपए लेने, मैं उसी का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया मुझे 6,000 रुपए विजय से लेने हैं, ठीक है ना। अब उसने एक माह विशेष में विभिन्न तिथियों पर विजय को क्रमशः 2,200, 1,800 और 1,000 रुपए कमा, ठीक है। मैंने ये बोल सकता हूँ कि मैंने पुराने महीने पिछले महीने में उसको 6,000 रुपए का माल बेचा होगा जो अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो मुझे अभी कितने लेने हैं उससे, 6,000 रुपए। फिर मैंने बाद में उसे 2,200, 1,800 और 1,000 तीन बार माल उसको और बेचा है, ठीक है ना। तथा उसी माह में विभिन्न तिथियों पर क्रमशः 2,000 रुपए, 1,600 और 1,400 रुपए नगद प्राप्त किए। अब मुझे कितने मिल गए, 1, 2 और 3, ये अमाउंट मुझे मिल गया। शेष राशि को 5% नगद बट्टे की शर्त पर भुगतान कर हिसाब चुकाकर चुकाया गया, आप अजय की पुस्तकों में विजय का खाता खोलिए, ठीक है ना। से माल लेना था उसको माल बेचा, हम तो दुकानदार होंगे, ठीक है ना, हमने विजय को इतना माल बेचा है, उसने हमें केस दिया, उससे लेने में कितने दे रहे था, तो उसका अकाउंट हमने कितने में क्लोज कर दिया है, 300 रुपये डिस्काउंट के साथ में उसका अकाउंट, जब भी कभी नाम आता है, ठीक है ना, जब भी कभी नाम आता है किसी का भी, तब भी क्या होता है, दोनों अकाउंट ज़्यादातर बैलेंस बराबर होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर माल खरीदता हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ, कोई और व्यक्ति हैगा साथ में, ठीक है ना, यह भी बोल सकते ए और बी, ठीक है, ये कौन हो गया, ए जो है ये शॉपकीपर हो गया, मतलब होलसेलर बोल देता, होलसेलर, ठीक है, और ये रिटेलर, बड़ी बात है, यही व्यक्ति इसके पास से पूरा माल खरीदेगा, ठीक है ना, तो इसका खाता चलता होगा, तो जो होलसेलर है वो किसका अकाउंट बना के चलेगा हमेशा, बी का, आज फिर उधार लेके जाएगा तो कल वो चुकाएगा, ठीक है, तो इस महीने अगले महीने उसका खाता हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा, मतलब अगर वो 10,000 रुपये का माल खरीद के ले जाता है, ठीक है, टू सेल्स 1,000 रुपये का माल खरीद के लेके गए, तो अगली बार आके वो कैश करके
हजार रुपए क्या करके जाएगा, चुका के जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर वो फिर वापस से खरीदता है, फिर वापस खरीदेगा वो 2000 का बाद, तो अगली डेट को उस डेट को लीजिए। अगर ये 1 जनवरी को खरीदा है, 2 जनवरी को खरीदा है, ये 500 पेमेंट दे देगा, 600 पेमेंट दे देगा, पर वो पेमेंट देकर वो अकाउंट क्या कर देगा, क्लोज करते जाएगा हमेशा, ठीक है ना। हमेशा किसी के भी नाम का अकाउंट होता है तो क्या होता है, क्लोज होता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे ये अकाउंट है उससे हमें पेमेंट लेना था देना था सारा हिसाब हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो गया, पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया केस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है प्रिपेयर केस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो दिया है 12 नंबर का, उसमें आपको केस बुक बना है, केस अकाउंट बनाना है, 13 नंबर में भी आपको केस अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन नंबर 11, तो आप उनसे पर्टिकुलर पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।